नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, ऑटो वाले को पैसे दे दो। ये मेरे पापा हैं अंकल। मुझे तो पता था, लड़का अगर पेपर बॉय होगा तो बाप तो ऑटो ड्राइवर ही होगा ना, क्या कर सकते। माँ जी, आई एम सॉरी, हमें गलत मत समझिएगा, प्लीज। कोई बात नहीं, प्लीज होता है। नमस्ते, प्लीज बैठिए अंकल, बैठो ना, बैठिए ना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? सोफे पर बैठिए, आप इस तरह तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? इसे अपना ही घर समझिए, प्लीज बैठिए ना। नीचे चलेगा। सोफा बैठने के लिए ही है, बोलो ना बेटा, बैठिए प्लीज। सर, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरी हद आपकी गेट तक है। मेरा बेटा एक पेपर बॉय है, उसकी हद आपकी चौखट पर खत्म होती है। मेरी पत्नी एक कुक है, उसकी हद आपकी रसोई तक है। आपने हमें घर बुलाया, अपने बराबर में हमें बिठाया, इतनी इज्जत से बात की हमसे, और क्या मतलब? कैसी बात कर रहे हैं? मेरे घर में दो चार दीवारें और कमरे ज्यादा होंगे। हाँ, जब पता चला मेरी बेटी पेपर वाले से प्यार करती है तो मुझे थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन जब बेटी ने हमें समझाया तो सारी फिक्र उड़नछू हो गई। लड़के अपनी पसंद से प्रेम करते हैं, लड़कियां अपने विश्वास से प्रेम करती हैं, और इसीलिए अपनी बेटी के फैसले में उसका साथ दिया। अरे क्या मैडम, बैठे रहिए, बैठिए ना प्लीज। लो बेटा। थैंक्स आंटी। माँ जी, सिल्वर के ग्लास में कॉफी दी है, देखना कहीं चुराना नहीं। माँ जी, मेरे तीन बच्चे हैं, अपनी प्रॉपर्टी में सबको बराबर हिस्सा दूंगा, अगर आपकी कोई डिमांड है तो बताइए। अरे, आपने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये हमारी बेटी जैसी है। मेरे दोनों बेटे अमेरिका में सेटल्ड हैं, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा के उन्हें एंगेजमेंट के लिए बुलवा लेंगे। जैसा आप उचित समझे। सब आपकी तरह सोचेंगे तो दुनिया कितनी अच्छी होगी ना। क्या अच्छी होगी हा? एक साइकिल चलाने वाला अब कार चलाने वाला है, और हमारी लड़की अब कार छोड़कर साइकिल पर घूमने जाएगी। ये सब देखने से अच्छा तो मैं मर जाती। मेरे पोते ही आकर इन्हें सबक सिखाएंगे। क्या हुआ, फेफड़े जला रहा है या अपना कलेजा? स्मोकिंग किल्स। जो घर में हो रहा है उसे देखने से अच्छा मर जाना ही बेटर है। इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल माय फुट, ये पेशेंस तुझे मुबारक हो। अपने लिए ना सही, बहन के लिए तो सही। कोई बड़ा कदम उठाना होगा बहन के लिए। पर तुम्हें आइडिया है तुम क्या कह रहे हो? तुझे आइडिया उसे किस बर्बादी में झोंक रहे हो? कुछ दिखाना है तुझे। व्हाट द हेल इज दिस? यूएसए कॉस्टली गिफ्ट्स लाया था, क्या उसे दे सकता हूँ मैं? ये वॉच उसे मैच करेगी? ये शूज उसके गंदे पैरों में अच्छे लगेंगे? उस सुअर की औकात है सूट बूट पहनने की? चोर बाजार में बेच के आएगा वो इन्हें। आईफोन देने जाओगे तो तुमसे फोन के बजाय ऑटो मांग लेगा। एक मामूली पेपर बॉय सुन के मेरा कलेजा फटने लगता है। हमारी छोटी प्यारी बहन है धारणी, उसे एक प्रिंसेस की तरह रखा है हमने, उसकी लाइफ स्पॉइल कैसे कर सकते है? तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, ये दर्द, ये गुस्सा, ये जलन तुमसे कहीं ज्यादा मुझ में है। जब से सच का पता चला है पागल हो रहा हूं, दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, उस गंदगी को हटाना। कोई सोच भी ना सके, कुछ ऐसा भयानक करना होगा। हाय अंकल। हाय रवि। हाय। क्यों आंटी, आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है ना? आप सारे वेजिटेबल्स घर पे ही उगाती हैं? हाँ बेटा, हम सारी वेजिटेबल्स को घर पर ही उगाते हैं, उससे पैसे भी बचते हैं और ताजी सब्जियाँ मिलती हैं।
बहुत कंजूस है, पैसे बचाने में इसे कोई नहीं हरा सकता। इसमें क्या गलत है अंकल, ये तो मार्केट में मिलने वाली सब्जियों से बेहतर है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। अरे बातों बातों में भूल ही गई, अंदर आओ बेटा। चलो अंदर चलो। आओ। अरे रहने दीजिए आंटी, बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। खातिरदारी शादी के बाद करती रहना, पहले मैं कुछ बात कर लूं। कल से अखबार बांटने का काम बंद। लेकिन क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी फीलिंग समझी और हाँ कहा। अब मैं उनकी ही कॉलोनी में पेपर्स बांटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी। एक और रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो इंगेजमेंट को हम थोड़ा सिंपल रखें, जिसमें ज्यादा गेस्ट ना हो और सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स ही हों। हाँ बेटा, किसी की इज्जत कम ना हो इसलिए फंक्शन छोटा ही रखें। ठीक है अंकल, मैं पापा से बात करती हूँ। लड़का तो पेपर बॉय है, हमारी बराबरी का भी नहीं है। हाँ, इनकी हालत देख के तो लग रहा है इनकी हैसियत ऐसी कहाँ। ऐसा है तो जाके टीवी में बोल दो ना, पेपर बॉय पेपर बॉय, कोई इनके मुंह में पान ठूसो, इनकी चौबड़ 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 बंद हो जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। सभी अतिथि गढ़ आ गए, रस्म शुरू करें। बस दो मिनट रुकिए, साले साहब आने वाले हैं। ए, इंजन ऑयल पी के आए हो क्या? पीछे नहीं चल सकते, मुझसे रेस लगा रहे हो क्या पागल? आ गए, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। सॉरी सॉरी, लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। बैठो 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 भाई बैठो। माताजी नमस्ते। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। जीजा जी, ये कौन है? तुम्हारा दामाद। सरस है। देर से आने के लिए सबसे माफी चाहता हूँ। हाँ पंडित जी शुरू हो जाओ। श्री गद्दवाल रेड्डी की पुत्री सौभाग्यवती लक्ष्मी धारणी की, श्री नारायण के इकलौते पुत्र चिरंजीवी रवि के साथ कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन रात्रि 12:01 पर विवाह के फेरे तय किए जाते हैं। सबका आशीर्वाद उनके साथ है। दोनों परिवार शगुन का आदान प्रदान करें। अरे बेटा नमस्ते। आओ आओ, जूते रहने दो। आइए आइए आइए, गरीब की कुटिया में बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। ओके। इस वक्त कैसे आना हुआ? वो शादी की शॉपिंग के लिए हम बाहर निकले थे तो एक्चुअली मॉर्निंग में पापा ने आपको ये देने के लिए कहा था। इसमें क्या है? 5 लाख रुपए। हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है कि लड़की वाले लड़के वालों को कपड़ों के लिए अपनी तरफ से पैसे देते हैं। हमें ये पैसे नहीं चाहिए, हम अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेंगे, तुम ये ले लो। ऐसा मत कीजिए आंटी, इन्हें रख लीजिए। हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते, वापस ले लो। 5 लाख की ही तो बात है आंटी, कल हमारे घर की लक्ष्मी आपके घर आएगी, उसे कैसे संभालेंगे? वो हमारी बेटी जैसी होगी। अरे पहली बार घर आए हैं, जाके चाय वाय बनाओ। रात के 10 बज गए अंकल, चाय पीने का टाइम थोड़ी ना है। आंटी कुछ खाने के लिए है क्या? शॉपिंग के चक्कर में खाना वाना सब भूल गए थे, जोरों से भूख लगी है। अच्छा रुको, 2 मिनट में कुछ बना के लाती हूं। आंटी जो बनाए वो ही दीजिए ना, शादी के बाद बहन को थोड़ी स्पेशल खाना नसीब होने वाला है। अंकल वाटर। क्या हुआ भाई, खा क्यों नहीं रहे हो? माना आंटी रोज 10 घरों में खाना बनाती है, इसका मतलब ये तो नहीं यहाँ 10 तरह के पकवान मिलेंगे तुम्हें। चलो चलो खाओ खाओ। क्या हुआ, स्पाइसी लग रहा है? सब्जी कम ना पड़ जाए इसलिए मिर्ची ज्यादा डालते हैं। क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रहे हो तुम? घी नहीं होगा इसलिए मसाले सूखे हैं, चलो खाओ। क्या हुआ, गले से नहीं उतर रहा? मेरे भी नहीं उतर रहा। ऐसे बेकार खाने की आदत नहीं है ना,
हमारे इस गले को पर आदत डाली होगी। बहन रोज यही तो खाने वाली है, बेचारी का गला रोज जलेगा। गले के साथ में दिल भी, हम तो कल अच्छा खाना खाएंगे पर बेचारी दिल जला के आज वहां अच्छा खा रही है ना, लाइफ लॉन्ग के लिए यहां नहीं मिलने वाला। ये देखो यही होगा उसके बाद। बेडरूम कहां पर है? यही है बेडरूम, सुहागरात को बाकी सब बाहर सोएंगे। सोचो उसके बाद कहां सोएंगे, सब एक साथ में ही सोएंगे। माँ बाप यहां सोएंगे, बहू बेटा यहां सोएंगे। वो अपोलो हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, उसके बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में, हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बच्चे नाले के किनारे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम, पापा ने वचन दिया है ना, निभाएंगे उसे। वैसे एक बात सच बताना, तुम एक पेपर बॉय हो, तुम्हारी बहन होती और कल को कचरा उठाने वाले से उसे प्यार हो जाता, शादी के बाद पति उससे कचरा उठवाएगा, ये जानते हुए भी तुम अपनी बहन की शादी उससे करवाते थे? देखिए आंटी, प्रेम दो इंसानों का जज्बा है लेकिन शादी दो परिवारों का संगम है। हम यहां कोई आपको लेक्चर देने नहीं आए हैं, सच का आईना दिखाने आए हैं। आज हमें पीड़ा पहुंच रही है, कल यही पीड़ा आपको पहुंचेगी। आप जिन घरों में काम करने जाती हैं वहां गढ़वाल रेडी के इन्विटेशन कार्ड जाएंगे, वहां क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? रवि, हम सब इतने खामोश क्यों हैं? तुम उनकी बात समझ गए ना? उनके किसी भी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। उन्होंने हमें हमारी हैसियत बता दी है और इसमें झूठ क्या है? उनके मुकाबले तो हम लोग बहुत ही छोटे हैं ना? उनकी तकलीफ को हमें समझना चाहिए ना बेटा? जिस दिन हमने उनके घर पे चाय पी, मेरे गले से नहीं उतरी, ठीक वैसे ही इस घर का खाना उनके गले से नहीं उतरा। हम खुश थे कि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी, पर उस लड़की की खुशहाल जिंदगी छिन जाएगी, हम ये नहीं देख पाए। हम ये कह देंगे कि हमारे घर का सिलेंडर फट गया था, ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, हम ये रिश्ता उनके साथ नहीं जोड़ सकते और उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। बेटा मेरी बात तुम अच्छे से समझ रहे हो ना? उस दिन माँ की बातें सच लगी, किताबों की दुनिया से हकीकत अलग होती है। स्टेटस क्लास डिफरेंसेस आज भी मायने रखते हैं। उस दिन से मैंने डायरी लिखना शुरू किया और आज इसे खत्म कर रहा हूँ, धरणी से हमेशा के लिए दूर जाकर।